भाई हमेशा जो है वो मोहरा बनाया गया और बनाया जाता है और आगे भी बनाया जाएगा। चुनाव आने के पहले व्यापारियों को जो है इकट्ठा करके उनसे चंदे की उम्मीद करी जाती है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि व्यापारी भाई मिल के चंदा दें ताकि इलेक्शन में खूब पैसे की बर्बादी करी जा सके। और चुनाव के बाद उसे मिलता क्या है? व्यापारी को मिलता है सिर्फ शोषण, परेशानी। और आप खुद एक बात अपने विवेक से सोचिए कि जो व्यक्ति 8 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन लड़ेगा, क्या वो आदमी इलेक्शन जीतने के बाद आपका काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उसने 5 किए हैं खर्चा, तो वो 4 गुना ज्यादा आप ही से हमसे वसूलेगा, जो कि कभी भी जो है वो सीधी तरीके से जो है वो पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसके लिए भ्रष्टाचार ही किया जाता है और वो किया जाता रहेगा, हमेशा किया जाता रहेगा। इसीलिए मैं एक उद्यमी हूँ, व्यापारी हूँ। मैंने जब इस भ्रष्टाचार को देखा, नीचे से लेके ऊपर तक हर आदमी भ्रष्टाचार में लबरेज है, पर व्यापारी को कोई फायदा नहीं देना चाहता है। इसीलिए मैं आ गया हूँ आप ही के बीच में व्यापारियों की आवाज़ बन के, ताकि हम व्यापारियों को भी आगे अपने रोजी रोटी रोजगार के लिए उचित व्यवस्था, उचित सम्मान सब कुछ मिल सके। और मेरी एक व्यापारी भाइयों से गुजारिश है, एक प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि जितना पैसा आप दूसरे राजनीतिक दलों को उनके इलेक्शन के लिए देते हैं, अगर वही पैसा आप अपने व्यापार में लगाएं और पब्लिक की हेल्प के लिए लगाएं, यानी कि उन ग्राहकों को फ़ायदा दें जो ग्राहक आपके दुकानों से सामान खरीदते हैं, तो कितना बेहतर हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक दल ऐसा करने नहीं देते। मैंने उद्यम के लिए आवाज़ उठाई और उद्यम करने के लिए सोचा, जिसमें मुझे बहुत ही भयंकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब नहीं होगा, मैं आ गया हूँ आप ही सब व्यापारियों के बीच की आवाज़ बन के। अब की बार लोकसभा चुनाव लखनऊ से लड़ने के लिए 2019 का, मुझे आप सब सहयोग कीजिए।